मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों सबको जय मसीह की। मेरे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप भी प्रोफेट बजेंद्र सिंह की मिनिस्ट्री जाना चाहते हैं जो जलंधर में पाई जाती है ताजपुर चर्च, अगर आप उसमें जाना चाहते हैं तो आप लोग हमेशा इन बातों का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि मेरे दोस्तों वहाँ जाने में बहुत ही ज़्यादा खतरा है। और मेरे दोस्तों हम आप लोगों को इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे और दोस्तों हम आप लोगों को बताएंगे कि वहाँ जाने पर आपको किस किस चीज़ की सुविधा मिलेगी और आपको वहाँ किस दिन जाना चाहिए। तो मेरे दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आपको ये जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग कुछ बोलते हैं लेकिन आपको सही सही जानकारी देना मेरा कर्तव्य है। मेरे दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे दोस्तों अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जलंधर रेलवे सिटी स्टेशन उतरना पड़ेगा। वहाँ उतर के अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो आपको सारे लोग बता देंगे, क्योंकि जलंधर में पूरी तरीके से फैला हुआ है। बजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री को सारे लोग जानते हैं। अगर आप किसी भी ऑटो वाले को बोलते हैं तो आपको वहां तक छोड़ देंगे, 30-40 रुपए किराया लेंगे और आपको वहां तक पहुंचा देंगे। लेकिन मेरे दोस्तों आपको हमेशा इन बातों का ख्याल रखना है कि वहाँ के लोग, जब से वहाँ मिनिस्ट्री खुली है, प्रोफेट बजेंद्र सिंह ने वहाँ मिनिस्ट्री जब से चालू किया है, तो उन लोगों ने जलन से वहाँ एक ठेका खोल के रखा है और बहुत सारे बस्ती वाले लोग बहुत परेशान करते हैं। जो भी लोग उस मिनिस्ट्री में जाते हैं उन सारे लोगों को परेशान करते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों अगर आप वहाँ जाते हैं तो हमेशा उस गांव वाले से बच के रहिएगा और उन गांव वालों से कभी भी बहस न करिएगा, क्योंकि मेरे दोस्तों वो लोग जलते हैं प्रोफेट बजेंद्र सिंह की मिनिस्ट्री से और प्रभु येसु को नहीं मानते हैं। वो लोग वहाँ ठेका खोल के बैठ गए। पहले उस जगह ठेका नहीं था, शराब का ठेका अब खोल के बैठ चुके हैं वो लोग। इसलिए मेरे दोस्तों जब भी आप वहाँ जाते हैं तो हमेशा सतर्क होकर जाइए, किसी से लड़ाई झगड़ा या किसी से बहस मत कीजिए। आप शांति से जाइए मिनिस्ट्री, और वहाँ जाने के बाद मेरे दोस्त हम आपको बताते हैं कि वहाँ किन किन चीज़ों की आपको व्यवस्था मिलेगी। वहाँ जब आप जाएंगे तो वहाँ आपको खाने की पीने की सारी चीज़ की व्यवस्था मिलेगी और आप वहाँ रह सकते हैं। अगर आप संडे की मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं तो अगर आप एक दो दिन पहले भी चले जाते हैं तो आपको वहाँ कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वहाँ आपको खाने की दिक्कत नहीं है। आपको खाना भी मिलेगा, सवेरे चाय मिलता है, तो आप वहाँ जाके आराम से रह सकते हैं और वहाँ सोने की भी व्यवस्था है। तो मेरे दोस्तों अगर आप लोग भी जाना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर जाएं। और मेरे दोस्तों हम आप लोगों को एक और बात बता देते हैं कि जब भी आप वहाँ जाएं तो आप भूलकर भी वीडियो मत बनाएं, क्योंकि मेरे दोस्तों वहाँ वीडियो बनाना मना है। अगर आप वहाँ वीडियोस बनाते हैं तो अगर कोई आपको देख लेता है, कोई भी वॉलंटियर अगर आपको देख लेता है, तो आपका मोबाइल छीन लिया जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों आप लोग वहाँ जब जाते हैं तो आप लोग वहाँ वीडियो ना बनाएं। तो मेरे दोस्तों अगर आप लोग भी जाना चाहें तो ज़रूर जाएं, और अगर आप लोगों को यह जानकारी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। सबको जय मसीह की।